बीसीसीआई ने गुरुवार को भारतीय खिलाड़ियों की सालाना अनुबंध सूची जारी की। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 के लिए सामने आए लिस्ट से महेंद्र सिंह धोनी की छुट्टी कर दी गई। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को इस लिस्ट से बाहर करने के बाद एक बार फिर उनके संन्यास की खबरों का बाजार गर्म हो गया है। माही को पिछले साल एक ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले माही ने अपना आखिरी एक दिवसीय न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में खेला था। भारत को अपनी कप्तानी में 2011 वर्ल्ड कप दिला चुके धोनी ने करियर में 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं। इस नए अनुबंध के मुताबिक कप्तान विराट कोहली, सीमित ओवर्स के उपकप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें ए प्लस श्रेणी में रखा गया है। रेट 7 करोड़, कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 पिछले अनुबंध में ए प्लस से बाहर कर श्रेणी में शामिल किए गए शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार इस बार भी इस सूची में बरकरार है। दोनों के अलावा 9 खिलाड़ी और इस अनुबंध में हैं। धोनी भी इसी कैटेगरी में आते थे। रेट 5 करोड़, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, कुलदीप यादव और ऋषभ पंत भी इस लिस्ट में हैं। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 अगर बात करें बी कैटेगरी की तो इस बार इस वर्ग में 5 खिलाड़ियों की जगह मिली है। रेट बी 3 करोड़, रिद्धिमान साहा, उमेश यादव, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या और मयंक अग्रवाल। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 सालाना 1 करोड़ वाली इस सूची में केदार जाधव, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, मनीष पांडे, हनुमा विहारी, शार्दुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020